बहू जाओ अंदर सामान रखवाओ, बैठो। ये है चारू मेरी बड़ी बहू, और ये है उनकी बुआ जी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है आरके साहब और उनकी बेटी रिनी। चंदर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका से आए हैं। चंदर शेखर, चंद्रशेखर, चंदर कहते हैं हम उसे। But nice meeting you, huh? Same here. Actually, I was quite eager to meet you. Me? Why? Because Shekhar loved you. And he told me all about you. Charuji, Shekhar, जब से हमें मिला, हमेशा यही कहता था कि उसे इंडिया में एक लड़की से प्यार है। बहन जी, एक्चुअली तो मैं अपनी बेटी रीनी की शादी करना चाहता था उससे। आफ्टर ऑल ही इज अ वंडरफुल मैन। बेचारा ग्रीन कार्ड के लिए बड़ा परेशान था। मैंने कहा भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, शी इज ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन, शादी करते ही तुम्हें ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन ही सेड नो, बिकॉज़ ही लव्ड यू। चारो जी, डेस्टिनी भी कोई चीज होती है, आप उसके नसीब में थी। हैट्स ऑफ टू शेखर, कोई प्यार करे तो ऐसे। बहू, जाकर मेहमानों के लिए चाय बनाओ। मिस्टर आरके, मैं वो लड़की नहीं हूं जिसे शेखर प्यार करते थे। मैं तो माजी की पसंद हूं। इनफैक्ट मैं शेखर को अपनी शादी से सिर्फ एक दिन पहले मिली हूँ। एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं वैशाली की हेल्प करती हूँ किचन में। हाँ हाँ भाई, दोनों बहुएं मिलकर हमारे मेहमानों का स्वागत करो, जाओ। भाई साहब, अरबपति घराने से है हमारी बहू, लेकिन घमंड तो इसको छू तक नहीं गया है। जब भी घर में आती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कुछ। $5,00,000 भेजे हैं इसके पापा ने अमेरिका, इनको बंगला और कार खरीदने के लिए। अच्छा बहन जी, फिर तो चारों को आप बड़ी बहू नहीं, डॉलर बहू कह के बुलाया कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चारू हमारी डॉलर बहू ही तो है। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी? नहीं तो? आप मुझे कुछ भी कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बड़ी है ना मुझसे? नहीं, एक्चुअली शेखर मुझ पर नाराज हो गए थे ना, तो हो सकता है तुम्हें वो बात बुरी लगी हो। हमारी शादी से पहले के शेखर के प्यार के किस्से मैं पहले भी सुन चुकी हूं, ज्योति ने बताया था। जब ये नासिक में रहते थे ना, जिनके घर में पेइंग गेस्ट थे, उन्हीं की लड़की को चाहने लगे थे। प्यार तो प्यार होता है, आदमी को अपनी तरफ खींच ही लेता है। और अगर शेखर रीनी जैसी खूबसूरत लड़की, रीनी मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ना वैशाली? और अगर शेखर रीनी जैसी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए इनकार कर सकते हैं, तो सोचो उस लड़की से कितना प्यार करते होंगे। वो तो अभी तक उस लड़की को भुला नहीं पाए। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जिस दिन हमारी शादी रजिस्टर हुई थी ना, उसके बाद वो सीधा नासिक उसी लड़की से मिलने गए थे। तुम भी तो नासिक की हो ना, तुम उन दिनों नासिक में ही तो थी। तुम्हारी ताई जो बीमार थी, तो फिर तुमसे मिलने तो जरूर आए होंगे। हालचाल पूछने। Thank you.
आपको मालूम था कि आपके पति नासिक गए हैं? हाँ, मेरे ड्राइवर को शक हुआ जब शेखर ने मेरी गाड़ी छोड़कर टैक्सी पकड़ी। उसने मुझे फोन कर इन्फॉर्म किया, तो फिर मैंने भी उसे शेखर के पीछे जाने के लिए कह दिया। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि तुम भी नासिक की हो। हो सकता है कि तुम शेखर को जानती रही हो, पर नासिक तो बहुत बड़ा शहर है, वहां पर कितने सारे लोग एक दूसरे को जानते होंगे, है ना? और फिर तुम्हारी बात भी सही है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं? आप मुझे बता नहीं रही, मुझसे पूछ रही हैं। और पूछा है तो सुनिए, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास से बनता है, लेकिन जब पत्नी अपने पति के पीछे जासूस लगाती है तो ये रिश्ता टूट जाता है। आप बनाना चाहो तो ये विश्वास किले की तरह मजबूत भी हो सकता है, या फिर ताश के पत्तों के घर की तरह हो सकता है। शक का एक झोंका और सब कुछ बिखर जाता है। घर में मेहमान आए हुए हैं और आप इस घर की बड़ी बहू हैं। मेहमानों के लिए नाश्ता आप ही ले जाइए, माँ जी को यही पसंद आएगा। हाँ तो राधा जी, राधा जी, आपने तो मुझे औरत बना दिया। अच्छा कृष्ण जी, आरके, प्लीज मुझे आरके कहके बुलाइए, प्योर अमेरिकन नेम। पूरे अमेरिका में मुझे लोग आरके के नाम से जानते हैं। लीजिए आरके साहब, हमारे डॉलर बहू के हाथ से बनी हुई चाय पीजिए। इतने बड़े घर की बेटी है, आजकल तो बड़े घर की बेटियां अपने हाथ से पानी तक नहीं पीती, सिर्फ वाइन पीती है। एक्चुअली हमारी बेटी रीनी का सेंस ऑफ ह्यूमर पूरे अमेरिकन ईस्ट कोस्ट पे फेमस है बहन जी। क्यों, वहां पर डमरू बजाती थी आप? डमरू? हमारी चारू भी किसी से कम नहीं है। अरे इसकी बातें सुनकर लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, हंसते हंसते। रियली? चारू अब हमें चलना चाहिए, तुम्हें अपनी सहेलियों से भी तो मिलना है ना। हम लोग निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पीकर जाइएगा। नहीं माँ जी, बुआ जी चाय नहीं पीती और मैं भी नहीं पीती, हम चलते हैं। ओके, सी यू इन अमेरिका। डेफिनेटली, बाय बाय। आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग अप। नहीं नहीं, आप लोग चाय पीजिए, मैं इनको छोड़कर आती हूँ। चल। अच्छा समझन जी, बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ। बहू तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? जी सुबह 4 बजे की। अच्छा अच्छा, हो सके तो मैं भी एयरपोर्ट तक आऊंगी। अरे तेरे बाबूजी पता नहीं कहाँ रह गए, वो भी मिल लेते तो कितना अच्छा होता। अरे आ गए। बहू सदा सुखी रहो। आज जा रही हो चंद्र के पास? जी। कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। बहू वहाँ परदेश में तुम और चंद्र एक दूसरे का सहारा बनकर रहोगे, एक नई दुनिया की शुरुआत करोगे। बहू तुम चंदर के लिए एक बगिया बन जाना, जिसमें रोज नए नए फूल खिले और उनकी महक हम तक आती रहे। लेकिन बाबूजी वहाँ पर आप लोगों की बहुत याद आएगी, काश मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ रह पाती। बेटी तुम हमारे पास ही तो रहती हो, हमारे मन में रहती हो, हमारे आशीर्वाद में रहती हो, जाओ। अच्छा बहू, अमरीका पहुँचते ही फोन करना, चंदर से भी बात करा देना। हाँ जीती रहो बेटी। ठीक है। अच्छा जी, आप आती रहिएगा। हाँ आप भी। चारू तुम किस्मत वाली हो जो अमेरिका जा रही हो, तुम्हें यहाँ इन लोगों के बीच इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। और क्या कह रहे थे ये लोग, शेखर किसी लड़की को प्यार करता था? जी बुआ।
तुम्हें मालूम है ये बात? मालूम मालूम है और तुमने ये बात मुझे बताई नहीं। कौन है वो लड़की? बुआ, उस लड़की की शादी हो चुकी है और ये मेरे और शेखर के बीच की बात है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आप प्लीज परेशान मत होइए और पापा से भी आप ये बात मत कहिएगा प्लीज, वो बेकार में ही परेशान होंगे। अच्छा, तो शादी के दिन तुम नासिक यही देखने गई थी, है ना? और ये नई मुसीबत आरके और उसकी बेटी ये अमेरिकन तितली थी नहीं। सच बताऊं बुआ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन एक बार मुझे शेखर से मिलने दीजिए, फिर पता करती हूँ कि ये रिनी है क्या बला। ये कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगी। चारू, मैंने हमेशा देखा है औरत ही औरत का घर लूटती है। मर्द जब किसी दूसरी औरत के जाल में फंसता है ना, तब दोष उस दूसरी औरत का ही होता है। और रिनी खूबसूरत भी है, जरा बच कर रहना उसे, समझी? थैंकलेस, ग्रीडी, चीट, क्या क्या नहीं किया हमने उसके लिए। इसरो का बॉन्ड जब उसने जम किया था तो कितनी इंक्वायरीज हुई थी। इसरो वाले तो उसे अमेरिका से डिपोर्ट करने पर तुले हुए थे, लेकिन हमने हमने उसे शेल्टर दिया, छुपा कर रखा, जॉब दिलवाई। He's a spineless coward. He doesn't have a conscience. And that girl, she's nothing compared to me. But Papa, why did Shekhar do this? Why did he ditch me like this? Wait till Mom finds out. She's going to kill him. मैं भी यही चाहता हूँ। I'll just inform her. She will make his life miserable. मैडम, मोटेल में आज 80% ऑक्यूपेंसी है और वो जो एक ग्रुप आ रहा है उन्हें फैक्स भेज दिया है। दे वांट 10 एडिशनल रूम्स, दैट वे वी आर शॉर्ट ऑफ 18 रूम्स मैडम। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ इंडिया से। आरके? हाँ आरके, बोलो। क्या बोलूं, कौन से मुंह से बोलूं, कौन सी गाली दूं शेखर को? यू नो व्हाट ही हैज डन? शेखर ने शादी कर ली। तुमसे मिला नहीं अभी तक वो? अरे वो तो उसी दिन न्यूयॉर्क पहुंच गया था जिस दिन हम वहां से निकले थे इंडिया आने के लिए। उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। कैसे करेगा, कौन से मुंह से करेगा तुम्हें कांटेक्ट वो? यू नो ही इज अ थर्ड क्लास चीट। जिस लड़की के बारे में बात करता था ना, मुझे उससे प्यार है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, ये सब बकवास था, कुछ नहीं था ऐसा। ही हैज सोल्ड हिमसेल्फ। एक थर्ड क्लास लड़की से डोरी के लिए शादी कर ली उसने, ओनली जस्ट फॉर $500,000 के लिए, जस्ट हाफ ए मिलियन। And you know, half a million क्या होता है? अरे मुझे कहता तो मैं $4-5 million तो उसे ऐसे ही दे देता। जानती हो, उसकी माँ तो उससे भी ज़्यादा लालची है। आरके, मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि शेखर has no class, he is a selfish little beggar. यही बात मैं रीनी को समझाती थी। अब मैं देखती हूँ कि ये न्यूयॉर्क के आसपास कैसे रहता है। खैर, more important, अब मैं चाहती हूँ कि तुम रिनी के लिए शेखर से 1,000 गुना ज्यादा हैंडसम लड़का ढूंढकर शादी करवा कर ले आओ। प्लेस एन एड इन एवरी मैट्रिमोनियल कॉलम बोल्ड लेटर्स में। लड़कों को इंटरव्यू करो, आई वॉन्ट अ हैंडसम डैशिंग सन इन लॉ। तुम्हारी मम्मी को एक निशाना मिल गया है, अब वो शेखर का जीना हराम कर देगी। दिव्या, जेनिफर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। ये उसका लेटर ऑफ कंसेंट है। अब सुनील है, उसे जेनिफर के टर्म्स डिस्कस करने हैं। सुनील इज गॉन टू वॉशिंगटन, सेनेटर स्मिथ का फोन आया था, ही हैड टू रश टू मीट हिम। ये पोर्टफोलियो देगा इन्हें। मिस्टर कूपर के साथ आपका प्रेजेंटेशन है। मेरे लिए कोई मैसेजेस? यस, रॉयल अल्बर्ट पैलेस से लक्ष्मी का फोन आया था, वो आपको फैक्स भेजना चाहती है। फैक्स आते ही मैं आपको दे दूंगी। Care for a coffee? Love some. Hello? Shaker, line 5. Yeah, I got it. Hello? Shaker, bete, main Bua. Kahiye Bua, Charu India se kab nikal rahi hai? Bas, abhi use airport mein chhod kar laute hain.
फ्लाइट सुबह 4 बजे की थी, यानी न्यूयॉर्क के यहाँ के शाम के 6:30 बजे, 1 घंटा बाद। बेटे ये सब तुम देख लेना, लेकिन हाँ उसे ध्यान से लेने एयरपोर्ट पहुंच जाना। एयर इंडिया की फ्लाइट है AI-801। बुआ बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। बेटे हमें चिंता दूसरी बात की है। किस बात की चिंता बुआ? अब पता नहीं ये बात सच भी है या फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। कौन से दोस्त बदनाम कर रहे हैं? तुम्हारे अमेरिका के ही दोस्त है, आरके अपनी बेटी रीनी के साथ कल तुम्हारे घर में मिले थे। चारू के दिल में ऐसा वहम डाल दिया कि बेचारी चारू अपसेट हो गई। वो तो अमेरिका आने से ही मना कर रही थी। कैसा वहम बुआ? तुम्हारे और रीनी के बारे में। अरे कैसे दोस्त है तुम्हारे जो चारू के दिल में शक डाल रहे हैं? मुझे तो चारू की बड़ी चिंता हो रही है, क्या क्या सपने लेकर गई है यहाँ से। बुआ चारू के सारे सपने पूरे होंगे, मैं उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। यही विश्वास लेकर हम इतनी दूर यहाँ बैठे हैं। अच्छा सुनो, चारू के पहुंचते ही हमें फोन कराना, हाँ, और उसका ध्यान रखना। जी बुआ जी। शेखर, लक्ष्मी का फैक्स है। थैंक्स। शेखर, मुझे पता चला कि तुम 2 दिन पहले इंडिया से वापस आ गए थे। तुमने आते ही मुझे कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे बुरा लगा। मैं तुम्हारा अकाउंट चेक कर रही थी, उसमें तुम्हारे अपार्टमेंट का लोन $145,000 अभी भी बाकी है। मुझे मेरे नए मोटेल के ज़मीन का पेमेंट करना है, इसलिए मैं अपना लोन कॉल बैक कर रही हूँ। काइंडली अरेंज टू पे बैक। देखो शेखर, तुम्हारे हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, इसलिए मैं तुमको लीगल नोटिस नहीं भेज रही हूँ। लक्ष्मी फ्रॉम रॉयल एल्बर्ट पैलेस।